खेरसौन से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद कहा जा रहा था कि अब ईयू समाप्ति की कगार पर है, लेकिन इन अटकलों के बीच पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। रूस के जिन इलाकों में पिछले कई हफ्तों से शांति थी, रूस ने वहां ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर खौफ फिर पैदा कर दिया है। यूक्रेन के दूसरे कई शहरों में भी हमले हुए हैं। रूस का ये आक्रामक रुख ऐसे समय देखने को मिला है जब खेरसौन में उसे बड़ा झटका लगा है और उसकी सेना को वापस लौटना पड़ा। ताजा मिसाइल हमलों में राजधानी कीव, खार्किव, ओडेशा, डिनिप्रो और ज़ेपोरिज़िया को निशाना बनाया गया। साथ ही यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर मिसाइलों की बौछार की गई। ये हमला तब हुआ जब कीव में ठंड के मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर भीषण ठंड पड़ेगी, ऐसे में बिजली पानी की किल्लत नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ा देंगी। ये हमला तब हुआ जब यूक्रेन के इंजीनियर पहले हुए हमलों की नुकसान की भरपाई करते हुए बिजली व्यवस्था बहाल करने में जुटे हुए थे। हमले में डिनिप्रो में 15 लोग घायल हुए, जबकि खार्किव में 3 और ओडिशा में 1 व्यक्ति के घायल होने की खबर है। इस बात की भी आशंका जाहिर की गई है कि रूस आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला करने वाला है। ऐसे में यूक्रेन के जिन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से शांति देखने को मिल रही थी, वहां फिर हालात बिगड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ओडिशा में भी पिछले कुछ महीनों से शांति की स्थिति बनी हुई थी, वहां पर रूसी हमलों की कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब अचानक रूस ने फिर वहां पर हमला कर दिया है। वैसे इस समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए G20 समिट में भी रूस को कई देशों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर घेरने का काम किया है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।